कि हमारी यात्रा कितनी पूरी हो चुकी है। जिस परीक्षा को हम दे रहे हैं उसमें पूरा होने में उसका टाइम कितना बचा है जिसमें हमने उस परीक्षा को पूरा किया। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब एग्जामिनर कह देता है टाइम इज ओवर स्टॉप राइटिंग उनका फिर भी कुछ ना कुछ लिखना बचा रह जाए अधूरा रह जाए। तो यही हमारा आज का विषय है कि हम अपने भविष्य की तैयारी कितनी कर रहे हैं कितनी बाकी है उस पर हम आज आपस में बैठकर थोड़ा मनन चिंतन करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि हमें दूसरों के बारे में सोचने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है अपने बारे में सोचने के लिए कम टाइम मिलता है। हम दूसरों की शक्ल सारा टाइम देखते रहते हैं लेकिन अगर अपनी शक्ल देखनी हो तो शीशे के सामने जाना होगा। तो इसी प्रकार से आज हमें मौका मिला है जैसे फैशनेबल लोग होते हैं ना जेब में कांच रखते हैं निकाल के थोड़ा अपना मेकअप करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मेकअप के दो मतलब होते हैं एक तो किसी कमी को छुपाना कि मेरे यहाँ दाग है मैं यहाँ पाउडर लगाऊं। अब मेकअप का दूसरा मतलब होता है अगर ट्रेन लेट हो रही हो यात्री पूरे स्पीड पे ना चल रहा हो तो सब कहते जरा स्पीड बढ़ाओ ताकि मेकअप करके तुम समय पर पहुँचो। तो हम दूसरी प्रकार के मेकअप की बात करें। हम सब जानते हैं हमारे कितने सब्जेक्ट हैं आपको पता है ना हमारे कितने सब्जेक्ट हैं बहुत थोड़े सब्जेक्ट दुनिया के अंदर। तो आप जाओ तो प्राइमरी स्कूल में भी एक सब्जेक्ट लग गए बच्चा किताबों के बोझ से झुक के चलता पर बाबा ने कहा मेरे स्टूडेंट तो बूढ़ी माताएं हैं बूढ़े भाई हैं सीनियर सिटीजन हैं जो अपने आप को भी नहीं ठीक तरह संभाल सकते इतने सब्जेक्ट में हो तो बाबा ने सिंपल सब्जेक्ट दिए हुए हैं और उसके लिए कोई कॉपी पेंसिल ज्यादा रखने की भी जरूरत नहीं है। दिल के अंदर ही रखते हैं ज्ञान अर्थात ईश्वरी ज्ञान अर्थात मुरली अर्थात श्रीमान। दूसरा है योग कि भी ज्ञान तो मिल गया लेकिन उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति बाबा कहते हैं मुझे प्यार से याद करोगे तो मेरे से अथाह शक्ति ले सकते। तीसरा है ज्ञान और योग के आधार पर बनना क्या है ज्ञान है इसको छोड़ना है इसको अपनाना है अर्थात दैवी गुणों की धारणा। दैवी गुण मैंने खुशबूदार गुण दैवी गुणों की खुशबू अपने जीवन में लानी। और चौथा है कि गुरु दक्षिणा देना के भाई तुमको ज्ञान भी दिया योग भी दिया धारणा भी कराई गुरु दक्षिणा में हमारा कल्याण है जितनों की सेवा कर लोगे उतने सतयुग में तुम्हारे साथी संगी प्रजा के रूप में वहाँ आ जाएंगे और द्वापर में भगत के रूप में आ जाएंगे। फायदा ही फायदा हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें नुकसान नहीं है ठीक है ना। ज्ञान दूसरे को बांटोगे आपका कम नहीं होगा योग जितना लगा लो आपके ऊपर है जितनी मर्जी शक्ति धारण खुशबूदार फूल को कोई सूंघेगा तो उसकी खुशबू घटेगी नहीं। इसलिए बाबा कहता दैवी गुणों को कहते हैं आपका कुछ नुकसान नहीं और सेवा का तो कहते हैं आप सब जानते हैं सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको सेवा का लगता है कर सेवा का मेवा ही सेवा की तुरंत आपकी खुशी बढ़ेगी। अच्छा अब इन चारों सब्जेक्ट से हमें क्या कुछ करने को मिलता है वो बाबा कहते हैं हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सोच चिंतन अपने दूसरा है अपने संगी साथियों के लिए
जिनसे आपका संबंध संपर्क रहता है शुभ चिंतन, और जो दूसरे हैं बाकी हैं आत्माएं उसके लिए हमारा काम है विश्व परिवर्तन। तो शुभ चिंतन, शुभ चिंतन और विश्व परिवर्तन। अगर आप गौर से देखेंगे तो हम तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरे पर थोड़ा सा कम देते हैं, और सबसे कम ध्यान हम पहले सब्जेक्ट पर देते हैं, अर्थात विश्व परिवर्तन के लिए, दुनिया को संदेश देने के लिए। किसी भी पीके को कह दोगे तो वो दिन रात एक कर दे, उसको थकावट भी नहीं होगी, क्या भोजन तो कर ले, नहीं नहीं मुझे सेवा पर देना, क्योंकि तुरंत खुशी मिल रही प्रत्यक्ष पर। और दूसरा कि हम बाबा को रोज ज्ञान देते हैं कि देखो शुभ चिंतन ही तुम्हारे मन को प्रफुल्लित रखेगा, और जो तुम्हारे संगी साथी हैं वो संतुष्ट रहेंगे, आप भी संतुष्ट रहो, उसका हम प्रसारण करते रहे। लेकिन जो पहला सब्जेक्ट का सोच चिंतन, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि पहले पर ही बाकी दो का आधार, जितना हम सोच चिंतन करेंगे उतना स्व परिवर्तन करेंगे, और उस स्व परिवर्तन के आधार पर ही हम शुभ चिंतन करेंगे और विश्व सेवा करेंगे।